तो गाइस गाइस गाइस, अगर आपको खुद को जानना है, पहचानना है असल में आप क्या हो, तो आपको सफर में अकेला निकलना होगा। आपको अपनी सच्चाई नजर आ जाएगी। जब आप अकेले होते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो। और वैसे भी किसी ने सच कहा है, प्राकृतिक ज्ञान का समंदर है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो घर से अकेला निकलना तो पड़ेगा ना मेरी जान। वैसे भी मेरा सफर ज्यादा लंबा नहीं है, लेकिन प्राकृतिक से बहुत प्यार मिलेगा। हाय, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी मस्त हूँ। तो साल की ये दूसरी वीडियो है कैंपिंग की, और अभी कैंपिंग वाली लोकेशन में नहीं पहुँचा हूँ। और पीछे देख सकते हो कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से, है नहीं? ये चेक करो साहब, पहाड़ों की बात ही कुछ और है यहाँ पे। मतलब कैंपिंग करना और घूमना भाई बहुत गजब सीन है। तो अभी चलता हूँ अपनी लोकेशन पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। तो गाइस, ये कैंपिंग वाली लोकेशन पर पहुंच चुका हूँ। ये देख सकते हो आप, बड़ी खतरनाक जगह यार, मस्त भाई साहब। तो गाइज, अपना कैंप लग चुका है और अब थोड़ा लकड़ी इकट्ठी करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव डूबने वाले और इसके बाद जो खाना पीना का जो है जल्दी जल्दी कर निपटाते थे, क्योंकि यार ऐसी जगह पे ना हर चीज़ का खतरा रहता है। तो इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी करके फिर अपना कैंप के अंदर आराम से, क्योंकि ठंड का भी मौसम है, आराम से फिर सोए रहेंगे रात भर। ऐसे लकड़ी ढूंढनी है, ऐसी पड़ी हुई मिली थी, ऐसे यहाँ पे बहुत सी पड़ी हुई लकड़ियाँ हैं, सूखी पड़ी, तो वही ढूंढ के फिर आग जलानी है। तो गाइस, ये अंडे भी हो चुके हैं, उबल गए हैं, और इन पे लगाना है कट, और जो अंदर का रहता ना इसे रखना साइड और ये अलग। सो गाइस, ये शिमला मिर्च है और प्याज, और ये अंडे का बाहर का, इसकी कटिंग करके बारीक से इन सबको मिक्स करके अभी एक डिश बनेगी, ठीक है? तो गाइस, ये है नमक, इसमें सारे मसाले, लहसुन वगैरह सब कुछ, हल्का सा ये चिकन मसाला, तेल।
तो गाइस तेल होने में भी काफ़ी टाइम लगा और टाइम हो गया है, 7:30 बज चुके हैं और इसे खाते हैं। तो गाइस खाना खा लिया और पेट भर गया भाई साहब, बहुत हैवी हो गया था वो, तो अब मैं सोता हूँ। तो गाइज काफ़ी टाइम हो चुका है और भाई साहब घड़ी भी अलग अलग आवाज़ें आ रही है भाई साहब। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह, ठीक है। अभी लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। सो गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 8 भाई, अभी तक धूप नहीं आई, आज मौसम भी ख़राब हो रखा है, तो लगा कि अभी टाइम है, उठा तो बज चुके थे 8।